आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज जुमेरात है और आज पहला रोज़ा है, तो मेरी तरफ़ से सबसे पहले आप सबको, जितने भी मुसलमान बहन भाई देख रहे हैं ब्लॉग, उन सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और पहली सहरी भी उनको मुबारक हो। पहली सहरी भी हमने कर ली है, उसका ब्लॉग नहीं बनाया, तो कोशिश करेंगे हम सेकेंड सहरी का ब्लॉग बना लें। तो आज फर्स्ट अफ्तारी है हमारी इंशाल्लाह ताला, तो उसकी तैयारियाँ आज हम करेंगे। तो अभी यह है कि नमाज हम पढ़ के आ गए हैं जुहर की, और अल्लाह का शुक्र है कि नमाज हमने जमात के साथ पढ़ ली है। और यह है कि अभी अहमद ना गया हुआ है मामा पापा के साथ ना राजा बाज़ार गया हुआ है ना कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। तो जो अगले आगे का जो पार्ट होगा ना ब्लॉग का, वो अहमद कंटिन्यू करेगा। तो आप लोगों ने देखना और बताना कि भाई अहमद की ब्लॉगिंग स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि ना वो मुझे भी कह रहा होता है अक्सर कि यार भैया मैंने भी ब्लॉग बनाना है। तो आज मैंने उसको कहा कि यार आप बना लेना ब्लॉग, तो समी ने तो बना लिया, आप लोगों ने देखा होगा समी ने बहुत अच्छा माशाल्लाह से ब्लॉग बनाया था। और उसके सारे दोस्तों ने भी बोला था यार आपने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया। तो अभी यह है कि यार रोज़ा हमने रखा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा रोज़ा गुजर रहा है। ठीक है, अभी टाइम 2:30 बजे का हो रहा है। ठीक है, नमाज़ हमने आपको बता दी, पढ़ ली है, और आज बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगा, क्योंकि रात के टाइम ना बहुत कोई शदीद किस्म की आंधी तूफ़ान और ना बारिश हुई थी। मौसम बड़ा बैलेंस किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का, कोई बाहर ना धूप के अंदर ना तपिश नहीं है। अभी यह है कि अहमद गया हुआ है वहाँ पर राजा बाज़ार, तो आगे का ब्लॉग वो कंटिन्यू करेगा, फिर वो आएगा ब्लॉग, वो जब आ जाएगा वहाँ से फिर आगे का ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। और सहरी अफ्तारी की आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या हम तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा इतनी कोई खास नहीं करेंगे यार, मतलब ना थोड़ी थोड़ी करेंगे, क्योंकि ना पापा की जो है ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो अभी देखते हैं फिर आगे क्या करना है हमने, इंशाल्लाह ताला फिर तैयारी करते हैं अफ्तारी की, फिर आपको अफ्तारी की तैयारी करते हुए मिलेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर राजा बाज़ार के अंदर एंटर हो गए, देख सकते हैं बहुत फ्रेश है, हर कोई अपनी अपनी चीज़ें लेने आए हुए हैं। और अभी एंटर हो चुके हैं ये सात मैकेनिक वाले हैं, और आगे थोड़ा करके फ्रूट के बहुत सारे ठेले हैं लेफ्ट साइड पे, स्ट्रॉबेरी बहुत रश है, ये रश में अभी हम फंसे हुए हैं, बहुत रश है, जाने की जगह ही नहीं है, बहुत टाइम लगेगा हमें चीज़ें लेते हुए। आपको आवाज़ चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है। आगे तरबूज ये देखें, इधर तरबूज वगैरह हर चीज़ है, ताज़ा बाज़ार में आओ तो फ्रूट के हवाले से हर चीज़ मिलती है। 2000 years later तो यार अभी अब उधर बहुत रश था, तो अभी हमने गली देखी थी उधर, उधर से हम निकल के आ गए अभी इधर। इधर ज़्यादा रश नहीं है, मतलब कि थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा थोड़ी, उधर तो बहुत था रश। दो मस्जिदें भी उधर से गए थे, बहुत ट्रैफिक जाम था, और फिर हम इधर आ गए अभी। आगे जाके हमने पट्टियाँ लेनी है और कोई अच्छा फ्रूट लेना है जो मतलब कि सही हो, कच्चा ना हो सही। One hour later. अभी बहुत रश था इसलिए व्लॉग आगे नहीं बना सका। अभी ये लेनी है खजूर भी, इधर आए पापड़, ये चीज़ें लेने हैं कुछ, अभी देखते हैं मामा ले लिए। ये देखेंगे सारी चीज़ें, ये हमने भी लेनी है, मामा वो लेनी है, ये भी अभी लेंगे हम, ये पापड़ी जो ये तो था। और अभी उधर जा के लेते हैं, इधर बहुत चीज़ें होती हैं मतलब कि रमज़ान के हवाले से, इधर बहुत सारी चीज़ें। ये इधर सारी मीठी चीज़ें रखी हुई, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी देखते हैं हम भी कुछ लेते हैं जो हमें चाहिए, ये देखते हैं, ये मीठी चीज़ कोई लेते हैं इनमें से, ये क्या। 3 hours later तो यार अभी मैंने वजू कर लिया और अभी चलते हैं जल्दी से ऐसा की नमाज़ पढ़ने के लिए। अहमद भी आ गया था, अहमद की मैंने वीडियो शूडियो देखी, अच्छी बनाई है,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अभी जल्दी से नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं, उसके बाद हमने कुछ रोल और समोसे वगैरह लेके आने हैं, क्योंकि ना अभी घर में टाइम नहीं है बनाने का, तो जल्दी से लेके आएंगे क्योंकि आज चीज़ें ना शॉर्ट होती हैं। अभी नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह बाजार में मिलेंगे। वन आवर लेटर। तो यार नमाज़ पढ़ के मैं आके हूँ, अभी ये था कि मामा ने पैसे लिए थे, यार जाके ना रोल और समोसे वगैरह ले, अभी रोल और समोसे लेने के लिए चलते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह ताला फाइनली बाजार में मिलेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये देखिए यार हम आ गए हैं बाजार के अंदर, सही है, अभी उधर से जाने हैं रोल और समोसे लेने हैं। और ये रश देखें कितना है, यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो यार ये हम पहुँच गए इधर, अभी इनसे लेते हैं अंदर से ज़रा कचौड़ी और रोल वगैरह। जी चिकन, चिकन वाले नहीं, सादे सादे समोसे और छः, ये छः रोल ये ले रहे हैं यार अभी अंदर से। जी छः समोसे जी दे दिए ना उन्हें पैसे। ये देख सकते हैं हम वापस जा रहे हैं और रश बहुत ज़्यादा है, दूध वाले के बाद बड़ा रश है। चीज़ें ले ली हमने, अब बस सीधा घर वापस जा रहे हैं। शादी की तैयारी करें। ये देखें यार अभी इफ्तारी ये तैयार कर रही है मामा, ये मिर्चें कुछ पड़ी हुई हैं और ये पकोड़ों का वो है मसाला, ये इधर आटा पड़ा हुआ है, दूध गर्म हो रहा है, ये इधर पकोड़े तले जा रहे हैं। तो यार अभी मामा ने मुझे टास्क दिए कि भाई इधर वो ना बनाओ, क्या कहते हैं चटनी। ये देखिए अभी मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया, ये रखा हुआ है, अभी मिर्चें काट रहा हूँ और उसके अलावा ये धनिया भी, ये धोना है वो भी डालना है। और ये देखें ये इधर आलू बन चुके हैं बिल्कुल, और ये इधर रखा हुआ है इसका मसाला पकौड़ों का, और ये साथ अभी बना रही हैं और वो सामने बन भी चुके हैं, अभी ये बनाते हैं जल्दी से ये चटनी। ये देखें यार चटनी बन चुकी है, कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनी है, देखें फुल ग्रीन, और अभी दूसरे सामान भी रेडी हो रहे हैं। ये बस ये यार बन चुके हैं और ये हो गए हैं, क्या कहते हैं यार ये पकौड़े, और बाकी वो रोल समोसे मैं लेके आ गया हूँ, अभी लगाएंगे दस्तरखान के ऊपर फिर आपको मिलेंगे। 2 hours later। तो यार ये देखें सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर, और ये समोसे पकौड़े और ये स्ट्रॉबेरी पानी शानी सब कुछ आ गया, देखें रख दिए। और ये साथ अहमद बैठा हुआ है, अहमद का भी आज रोज़ा है पहला, मुबारक हो अहमद आपको। अभी ये शुरू हो गई हैं सारे, दुआ करते हैं और फिर खाते हैं। तो ये देखें यार ये समी खा रहा है और पीछे दान हो रही है, अभी जल्दी से खाते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं। A few moments later। तो यार अफ्तारी हमने कर ली है माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया और सही हैवी किस्म की मतलब अफ्तारी बनी हुई थी। और जो सबसे जो मेरी फेवरेट थी ना वो होते हैं पकोड़े, होते हैं सबसे फेवरेट जो होते हैं ना मेरे, क्योंकि वो मैं सबसे ज़्यादा खाता हूँ। अभी ये है कि नमाज़ पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद फिर वापस आएंगे, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद फिर ईशा की हो जाएगी, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर तरावियाँ साथ पढ़नी है। अभी जल्दी से चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और उसके बाद फिर तरावियों की तैयारी करते हैं यार। और अहमद का पहला रोज़ा था, अहमद को बहुत बहुत मुबारक हो, अहमद ने रखा बड़े। और आज का रोज़ा ऐसा था ना कि मतलब बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, ना प्यास लगी है ना भूख लगी है कुछ भी, एक टाइम पे हल्की सी लगी थी लेकिन उसके बाद नहीं लगी। अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं। तो यार आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से यार 300 सब्सक्राइबर करें। आगे हमारे और भी ज़्यादा गोल्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें।